हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर टॉपिक को, जिसमें हम डिफरेंट ए लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, रीड करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन कहता है, इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर पावर इज ट्रांसफर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इनमें से किस प्रोसेस से पावर ट्रांसफर होता है? ऑप्शन ए में है कंडक्शन प्रोसेस अलोन, ऑप्शन बी में है इंडक्शन प्रोसेस अलोन, ऑप्शन सी में है बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस, ऑप्शन डी में है म्यूचुअल कपलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस। जो जनरली हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू पावर एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर होता है, राइट। प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में जो पावर का ट्रांसफर होता है, उसका मीडियम क्या होगा, उसका जो प्रोसेस होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। यानी कि वहां पर दोनों कॉयल इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, दोनों कॉयल का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे से नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लाइक दिस। प्राइमरी साइड की वाइंडिंग ऐसी है और फिर सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग दूसरे लिंब पर कनेक्टेड होता है, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू यहां पर पावर को ट्रांसफर किया जाता है और इसको हम बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। दिस इज इंडक्शन प्रोसेस। और कंडक्शन प्रोसेस से पावर कैसे ट्रांसफर होता है? सपोज आपके पास एक डीसी बैटरी है, डीसी ले लो या फिर एसी सोर्स ले लो, जो मन करे वो ले लो। एक हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है वी, राइट, डीसी हो या फिर एसी हो। और आपके पास एक लोड है, एक रेसिस्टिव लोड है या फिर आरएल लोड है, जो भी लोड आप लेना चाहो, एक आप लोड ले लो, दिस इज आरएल। आपको ये करना है कि जो सोर्स है वहां से पावर को ट्रांसफर करके लोड को देना है। तो आप कैसे करोगे? जस्ट इन दोनों को आप इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करोगे, इन दोनों को इलेक्ट्रिकली आपने कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर जो सोर्स है, सोर्स की साइड से पावर ट्रांसफर होगा और लोड में चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंडक्शन प्रोसेस, राइट। यहाँ पर दोनों को हमने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया, एक साइड और दूसरे साइड को हमने कनेक्ट कर दिया, जिस साइड सोर्स है और जिस साइड लोड है, हमने दोनों को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस, राइट। दिस इज कंडक्शन प्रोसेस। और जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें इंडक्शन प्रोसेस होता है, बट इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर वहां पर दोनों ही साइड की जो वाइंडिंग्स होती हैं, चाहे वो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग हो या फिर सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग हो, दोनों इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होंगे लाइक दिस, तो उसमें कंडक्शन प्रोसेस से भी पावर जाएगा और फिर वो ट्रांसफॉर्मर है तो इंडक्शन प्रोसेस से भी उसमें पावर जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस से पावर ट्रांसफर होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है अबाउट ऑटो ट्रांसफॉर्मर? स्टेटमेंट 1 को रीड करिए। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्स लेस कॉपर एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सेम कैपेसिटी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के रिगार्डिंग उसके कंपैरिजन में लेस कॉपर यूज होता है, यानी कि लेस वाइंडिंग्स यूज होते हैं, है ना, क्योंकि जो उसकी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग का कुछ पार्ट कॉमन हो जाता है सोर्स साइड और लोड साइड के लिए, दोनों के लिए कॉमन हो जाता है, तो उतना सा जो वाइंडिंग है वो बच जाता है हमारा, है ना। तो वाइंडिंग हमारा कॉपर का बना होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा लेस कॉपर उसमें यूज होगा। स्टेटमेंट 1 यहां पर करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 को देखिए। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड्स आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या ऑटो ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन प्रोवाइड करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देते हैं। टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन प्रोवाइड करता है प्राइमरी सेकेंडरी के लिए,
लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में आइसोलेशन नहीं होता, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। स्टेटमेंट टू यहां पर इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थ्री, एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज लेस लीकेज रिएक्टेंस एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम कैपेसिटी। लीकेज रिएक्टेंस यहां पर कम होगा, बिल्कुल। लीकेज रिएक्टेंस कम क्यों होता है? बिकॉज लीकेज फ्लक्स इसमें कम होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो सोर्स साइड की वाइंडिंग है और जो लोड साइड की वाइंडिंग है वो दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस नहीं है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक वाइंडिंग एक लिंब पे लगा हुआ है, दूसरी वाइंडिंग दूसरे लिंब पे लगा हुआ है, राइट। उसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस होते हैं और वहां पर फ्लक्स लीकेज होता है, राइट। वहां पर एयर गैप मिलता है उसको, उसका फिर फ्लक्स लीकेज होता है, तो कुछ पार्ट वहां पर लीकेज होता है, लेकिन यहां पर लीकेज नहीं होते, नेग्लिजिबल होते हैं। इसलिए लीकेज फ्लक्स नेग्लिजिबल होगा तो लीकेज रिएक्टेंस यहां पर कम होगा एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यानी कि स्टेटमेंट थ्री यहां पर करेक्ट है। वन एंड थ्री बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में गिवन है वन एंड थ्री, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। इट इज एडवाइजेबल टू यूज ऑटो ट्रांसफार्मर इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज वॉट। ऑटो ट्रांसफार्मर को कहाँ हम यूज करते हैं? जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन वन हो, नियर टू वन हो, या फिर 0.25, 0.5 हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नियर टू वन, नियर टू वन। जब आपको ऐसा करना है कि जो वोल्टेजेस हैं उसमें आपको ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना है। सपोज एक सब स्टेशन है, एक सब स्टेशन है जिसमें कि इनकमिंग वोल्टेज आ रहे हैं 132 किलो वोल्ट, और वहाँ से स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमारी सोसाइटी में भेजना जाना है उसको, और 11 किलो वोल्ट करना है। 132 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट करना है, तो उसका टर्न्स रेशियो कितना हो जाएगा? 132/11, या फिर जो वोल्टेज रेशियो बोलो 132/11, इट मीन्स ये हो जाएगा 12, वन से बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर प्रेफर नहीं करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर हम वहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो नियर अबाउट वन हो, राइट। वहाँ पर हम प्रेफर करते हैं। सपोज आप ऐसे ज्यूम कर लो कि 11 किलो वोल्ट से आपको 10 किलो वोल्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कम है, वैसे केस में बहुत सारे प्रॉफिट हमें मिलते हैं कि एक तो कॉपर की जो सेविंग है वो ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद फिर ऑटो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग है, जो पावर उसकी पावर ट्रांसफर करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, राइट, जब आप ट्रांसमिशन रेशियो को कम रखोगे तो, ठीक है। सो नियर टू वन यहाँ पर रखना जरूरी है। अगर कहीं पर नियर टू वन ट्रांसमिशन रेशियो की नीड है तो वहाँ पर आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ करने से आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। व्हेन द टू वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली इट इज कॉल्ड एज कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसकी दोनों वाइंडिंग को हम इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं, वो ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। द फॉलोइंग इज द अपेरेंट डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में कौन सा इनमें से डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर? देख लो, ऑप्शन ए में है पावर रेटिंग इज ग्रेटर। ऑटो ट्रांसफार्मर की जनरली पावर रेटिंग ज़्यादा होती है। जनरली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उसमें आप सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी अगर आपने यूज़ किया है तो उसमें हो सकता है कि आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से भी कम आपको पावर मिले, है ना, ये हो सकता है, किसी किसी केस में ऐसा होता है। बट जनरली क्या होता है, हम एडिटिव पोलैरिटी हम यूज़ करते हैं। एडिटिव पोलैरिटी यूज़ करने से क्या होता है, जो पावर रेटिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो पावर रेटिंग ज़्यादा होना ये डिसएडवांटेज नहीं है। ऑप्शन बी, एफिशिएंसी इज लो। ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लो नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि अगर आप एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को
रीकनेक्ट कर रहे हो एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो देखो प्रॉफिट क्या मिलेगा कि केवीए रेटिंग आपको ज़्यादा मिल जाएगी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, लेकिन जो लॉसेस होते हैं वो सेम होंगे। जितना लॉस आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में होगा उतना ही सेम लॉस होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, राइट? क्योंकि वाइंडिंग्स तो वही यूज़ हो रही हैं। वाइंडिंग जब वो यूज़ हो रही हैं तो वोल्टेज की रेटिंग वाइंडिंग के अक्रॉस का सेम है, सेम वाइंडिंग सेम वोल्टेज रेटिंग, और जब सेम वोल्टेज रेटिंग तो उसमें जो जो उसमें आयरन लॉसेस होंगे, जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उस पूरे के पूरे वाइंडिंग में, तो वो कोर के साथ कनेक्टेड है, मतलब कोर पे वुंड किया हुआ वाइंडिंग है, तो आपको आयरन लॉसेस वहाँ पर सेम मिलेंगे। और वाइंडिंग सेम है तो उसमें करंट फ्लो करेगा सेम, करंट सेम फ्लो करेगा तो उसमें जो कॉपर लॉस होगा वो भी सेम होगा, यानी कि टोटल जो लॉस होता है वो सेम होता है, लॉसेस आपको सेम मिल रहे हैं लेकिन केवीए रेटिंग आपको ज़्यादा मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? सो ऑप्शन बी ये तो इनकरेक्ट ही है, इसने बोला एफिशिएंसी लो है। ऑप्शन सी को देखो कि कंडक्टिव आइसोलेशन इज नॉट प्रेजेंट, ऑप्शन सी में है। दिस इज व्हाट डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कि वहाँ पर आइसोलेशन नहीं है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के बीच का आइसोलेशन नहीं है, वो दोनों वो कंडक्टिव ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर आर कपल्ड इलेक्ट्रिकली अलोन, मैग्नेटिकली अलोन, मैग्नेटिकली एंड कंडक्टिवली, राइट? सो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिकली एंड कंडक्टिवली, राइट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए When a two-winding transformer is converted into an auto transformer, the KVA rating of the resultant auto transformer, two-winding transformer को आपको convert करना है auto transformer में, तो KVA rating of the resultant auto transformer क्या होगा? Remain same, हो सकता है ना, हो सकता है, वो depend करता है कि जो हमारा two-winding का transformer है उसका transformation ratio कितना है, यानी कि जो voltage ratio है V1 upon V2 वो कितना है, राइट? और फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको एडिटिव पोलैरिटी में कनेक्ट कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्टिव में कनेक्ट कर रहे हो, तो ये हो सकता है रिमेन सेम हो सकता है, बट जनरली क्या होता है ऑटो ट्रांसफॉर्म जो हम यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं सो दैट हमें प्रॉफिट मिले, उसमें जो कॉपर यूज होता है वो कम यूज हो और जो हमें केवीए रेटिंग है वो ज़्यादा मिले, राइट? इसलिए हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें इसने लिखा है कि केवीए रेटिंग ऑफ द रिजल्टेंट ऑटो ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेज, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैविंग अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 0.8 सप्लाइज अ लोड ऑफ 10 किलोवाट। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 0.8 और ये लोड कितना किलोवाट का लोड सप्लाई कर रहा है, 10 किलोवाट का, यानी कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसका पावर, वो कितना पावर सप्लाई कर रहा है, तो 10 किलोवाट पावर वो सप्लाई कर रहा है। पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी इज वॉट। अब जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो तो दो प्रोसेस से पावर को सप्लाई कर रहा होगा, एक तो कंडक्टिवली एक तो इंडक्टिवली, कंडक्शन प्रोसेस से और इंडक्शन प्रोसेस से, दोनों प्रोसेस से ये ट्रांसफर कर रहा होगा और दोनों प्रोसेस का जो पावर है उसका एडिशन होगा लोड की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी, यानी कि 10 किलोवाट, ठीक है? यानी कि जितना इंडक्शन के थ्रू पावर जाएगा और जितना कंडक्शन के थ्रू पावर जाएगा, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा 10 किलोवाट, राइट? आपसे ये पूछा है कि कितना पावर इंडक्शन के थ्रू फ्लो करेगा, है ना, कितना पावर इंडक्टिवली ट्रांसफर होगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी कि जो टर्न्स रेशियो गिवन है यह है 0.8। मैं इसको क्या करता हूँ, इसने 0.8 लिखा क्यों है, इसने इसलिए लिखा है क्योंकि इसने रेशियो लिया है लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज, इसने ये लिया है तो इसके ये हो जाएगा 0.8। लेकिन यदि मैं ऐसा कहूँ कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ए को ऐसे लिखना चाहता हूँ कि हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 0.8,
राइट, व्हाट इज दिस, दिस इज 1/0.8 कितना हो जाएगा, 1/0.8, दिस इज 1.25, व्हाट इज दिस, दिस इज 1.25, ये हो जाएगा। तो मैं टर्न्स रेशियो ए को लिख रहा हूं 1.25, ठीक है, इसने लिखा है 0.8, मैं इसको यूज कर रहा हूं 1.25, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न्स रेशियो ए है इज ग्रेटर देन वन हो, ग्रेटर देन वन कब हो, जब हमने रेशियो लिया है हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड के वोल्टेज का रेशियो लिया है, ठीक है, तब ए की वैल्यू है ग्रेटर देन वन। ऐसे केस में कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं कि पावर जो ट्रांसफर होगा वाया कंडक्शन वो कितना होगा, वो होगा 1/A ऑटो, 1/A ऑटो इनटू टोटल पावर, यहां पर एस लिख लो या फिर पी लिख लो, ठीक है। यदि आपसे एस पूछे यानी कि केवी रेटिंग आपसे पूछे तो आप केवी यूज कर लो, और अगर आपसे एक्टिव पावर पूछे तो वो यूज कर लो, पी ऑटो राइट, ये यूज कर लो। और पी वाया इंडक्शन, इंडक्शन प्रोसेस से जो पावर ट्रांसफर किया जाएगा वो क्या होगा, टोटल पावर माइनस पी कंडक्शन, इट मींस हम यहां पर लिखेंगे 1-1/A ऑटो इनटू पी ऑटो, पी ऑटो मींस टोटल जो पावर, ये एक्टिव पावर ऑटो ट्रांसफर ये जो ट्रांसफर करेगा वो है पी ऑटो, राइट। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, इंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर करेगा, इट मींस ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है अभी। सो पी इंडक्टिवली इज इक्वल टू व्हाट, 1-1/A ऑटो, ए ऑटो की वैल्यू है 1.25, सो 1/1.25 इनटू पी ऑटो, टोटल पावर कितना ट्रांसफर करता है ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये करता है 10 किलोवाट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये कितना हो जाएगा, 1-1/1.25, व्हाट इज दिस, दिस इज 1.25-1 यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इनटू हो जाएगा 10 किलोवाट, इट मींस जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 2 किलोवाट, राइट। 2 किलोवाट पावर वाया इंडक्शन ट्रांसफर होता है और रिमेनिंग जो 8 किलोवाट बच गया है वो जाएगा वाया कंडक्शन, राइट। सो इसमें आपसे वाया इंडक्शन पूछा है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैविंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 0.9 सप्लाइज अ लोड ऑफ 10 किलोवाट, पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी, इसमें सिर्फ ट्रांसमिशन रेशियो को चेंज किया गया है। यहां पर मैं फिर से लिखूंगा कि ए ऑटो जो हमारा ऑटो ट्रांसफर का जो टर्न्स रेशियो है वो हम क्या यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज, इट मीन्स मैं यहां पर 1/0.9 यूज करूंगा। सो आप समझ रहे हो ना कि मैं 0.9 क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, 1/0.9 क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 0.9 यूज करोगे, जैसे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था, यहां पर देखो, यहां पर अगर आप 0.8 यूज करोगे, वेट, यहां पर देखो, अगर आप 0.8 यूज करना चाहते हो तो जो ये दोनों फॉर्मूला है इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां पर जो मैंने 1/A ऑटो लिखा है उसको आप ए कर दो, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है ए ऑटो, अगर आप ए ऑटो इसको मान रहे हो तो, अगर आप इसको लिख रहे हो कि दिस इज ए ऑटो, तो आप लिखोगे इसके फॉर्मूला में आप चेंज करोगे कि पी कंडक्शन इज इक्वल टू ए ऑटो इनटू पी ऑटो, ऐसे यूज करोगे। और जो पी इंडक्शन है उसमें आप क्या करोगे, 1-, ये जो हमने लिखा है 1/A ऑटो, इसको आप सिर्फ लिखोगे ए ऑटो, दैट्स इट, इतना सा चेंज करना है, ठीक है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे आप यूज कर लो, ठीक है। देखिए ए ऑटो 1/0.9 ना, 1.111, दिस इज 1.111,
राइट आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कि पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली, तो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कितना होगा, पी इंडक्टिवली इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ए ऑटो इनटू पी ऑटो, 1 माइनस 1 अपॉन 1.111। पी ऑटो कितना है, 10 किलोवाट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 माइनस 0.9, इट मीन्स ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 किलोवाट। सो व्हाट इज दिस इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का जो पावर है वो वाया इंडक्शन ट्रांसफर होगा, और रिमेनिंग जो 9 किलोवाट का पावर है वो कैसे जाएगा, वो जाएगा वाया कंडक्शन। इसने पूछा है वाया इंडक्शन, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 किलोवाट डी ऑप्शन, ठीक है, 9th का आंसर डी होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो V1 अपॉन V2, वेयर V1 इज ग्रेटर देन V2, द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली इज व्हाट। फिर से इसने पूछा कि इंडक्टिवली पावर कैसे, कितना ट्रांसफर होगा, जबकि इसने वोल्टेज रेशियो गिवन है V1/V2, जिसमें कि V1 हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज है, ठीक है। देखो हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज क्या है, V1, लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज क्या है, V2। इसने टर्न्स रेशियो, यदि मैं A कहूँ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न्स रेशियो है A ऑटो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 अपॉन V2, है ना, हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज, ठीक है। अगर आप A ऑटो को ऐसे लिखते हो तो इंडक्टिवली पावर कितना ट्रांसफर होगा, पी इंडक्टिवली, इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, 1 माइनस 1 अपॉन ए ऑटो इंटू पी टोटल, या फिर पी ऑटो, ओहो वेट, पी ऑटो, यहां पर देखिए, यदि मैं आपसे ये कहूं कि द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड, अच्छा तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 माइनस 1 अपॉन ए ऑटो क्या होगा, ए ऑटो है V1 अपॉन V2, सो 1 अपॉन ए ऑटो हो जाएगा V2 अपॉन V1, राइट, ऐसे ही होगा, इन टू पी ऑटो इज इक्वल टू, यहां पर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा V1, यहां हो जाएगा V1 माइनस V2 इन टू वॉट, दिस इज पी ऑटो, ओके, व्हाट इज दिस, पी इंडक्टिव। सो इंडक्टिवली जितना पावर ट्रांसफर होगा वो पी ऑटो का कितना फ्रैक्शन है, V1 माइनस V2 अपॉन V1, इतना ही पार्ट है ना, कितना पार्ट है ये, V1 माइनस V2 अपॉन V1, इतना फ्रैक्शन है टोटल पावर का, राइट। इस फॉर्मूला को आप S के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स पावर होता है, S इंडक्टिव इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू वॉट, S ऑटो, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो KVA रेटिंग होगा उसका कितना फ्रैक्शन KVA इंडक्शन के थ्रू पास होगा, फ्लो होगा, राइट, तो वो हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन V1। ऑप्शन देख लीजिए, V1 माइनस V2 अपॉन V1, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज कन्वर्टेड इनटू एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर if we apply additive polarity and subtractive polarity for the connections, then the secondary voltages is 2640 volt and 2160 volt respectively. What is the ratio of primary to secondary voltages of the original transformer? Original transformer means what? ये two winding transformer की बात कर रहे हैं, ठीक है? एक two winding transformer है, जिसको हमने दो डिफरेंट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हमने उसको कनेक्ट किया, मतलब कि हमने दो बार कनेक्ट किया है, ठीक है।
एक बार हमने एडिटिव पोलैरिटी यूज किया है, दूसरी बार हमने सब्ट्रैक्ट की पोलैरिटी यूज किया। जब हमने एडिटिव पोलैरिटी यूज किया है तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मिला है 2640 वोल्ट, और जब हमने सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यूज किया तब हमें सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मिला है 2160 वोल्ट, राइट। तो ये पूछता है कि जो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर है यानी कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज रेशियो क्या है, ठीक है। यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का वोल्टेज, प्राइमरी साइड का वोल्टेज मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं V1, और जो सेकेंडरी साइड है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मैं एज्यूम कर लेता हूं V2, राइट। V1 V2 हमने एज्यूम कर लिया, प्राइमरी साइड का वोल्टेज है V1, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है V2। ये है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये क्या है, दिस इज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, राइट। अब जब इसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करेंगे विथ एडिटिव पोलैरिटी, जब हम एडिटिव पोलैरिटी यूज करेंगे तो सेकेंडरी साइड का जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा, इसका सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड वोल्टेज, सेकेंडरी साइड वोल्टेज V1 प्लस V2 होगा, किस केस में, एडिटिव पोलैरिटी के केस में। जब आप एडिटिव यूज करोगे तो एडिटिव पोलैरिटी के केस में V1 प्लस V2 हो जाएगा, और जब आप सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यूज करोगे, जब आप सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यूज करोगे तब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या होगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, राइट। दोनों ही पोलैरिटी का वोल्टेज आपको दिया गया है, एडिटिव के केस में सेकेंडरी साइड का वोल्टेज गिवन है 2640 वोल्ट, ओके, और सब्ट्रैक्टिव के केस में गिवन है 2160 वोल्ट, राइट। दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सिंपली क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, राइट। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा, प्लस V2 माइनस V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो V1 प्लस V1 दिस इज 2V1, 2V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2640 प्लस 2160, 4800, दिस इज 4800। सो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां मैं लिखता हूं, वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, V1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4800 बाई 2, इट मीन्स 2400 वोल्ट, V1 इज इक्वल टू 2400 वोल्ट, और V2 क्या होगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब V1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में यदि मैं V1 की वैल्यू को पुट करूँ तो V2 हमें कितना मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 2640 माइनस 2400, इट मीन्स 240 वोल्ट ना। सो अब देखो V1 क्या था, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का वोल्टेज, और V2 क्या था, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा, रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2, इट मीन्स 2400 बाय 240, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/1, रेशियो क्या हो जाएगा, 10/1, ओके। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द पावर ट्रांसमिटेड इंडक्टिवली इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर विच सप्लाइज अ लोड ऑफ 161 वोल्ट्स विद एन अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। ओके देखिए, वेट, इसने क्या कहा, कितना पावर इंडक्टिवली ट्रांसफर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में जब हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं 161 वोल्ट की साइड से विच सप्लाई अ लोड। नो, इसने कहा है कि हम सप्लाई करते हैं 161 वोल्ट की साइड, लोड वोल्टेज है 161 वोल्ट विथ एन अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट, राइट। 230 वोल्ट इसका प्राइमरी वोल्टेज है और जो लोड साइड का वोल्टेज है वो है 161। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका आप टर्न्स रेशियो फाइंड आउट कर लो, ए ऑटो इज इक्वल टू व्हाट,
ध्यान रखना कि मैं ए ऑटो किसको लेके चल रहा हूँ, हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज, इट मीन्स 230/161 कितना हो जाएगा, 1.4286 ये है ए ऑटो। अब आपसे पूछा है कि इंडक्टिवली पावर जो ट्रांसफर होगा वो बताइए कि इनपुट पावर का कितना परसेंट होगा, है ना। जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर कह लो या फिर आउटपुट पावर कह लो, दोनों तो सेम होगा, है ना। ट्रांसफार्मर के केस में जितना आप इनपुट में पावर दोगे उतना ही वो ट्रांसफर कर देता है, पावर का स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन नहीं होता है, सिर्फ वोल्टेज और करंट का होता है, राइट। तो जितना भी पावर आप इनपुट में दोगे उतना सारा का सारा पावर वो आउटपुट में दे देता है, अगर हम लॉसलेस मान के चलें तो, आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चलें तो। अगर कुछ लॉसेस होगा तो पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर इसने कहा है कि इनपुट साइड के पावर का कितना परसेंट इंडक्टिवली ट्रांसफर होगा। इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, पी इंडक्टिव इज इक्वल टू 1-1/A ऑटो इंटू पी ऑटो। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो पावर है उसका कितना 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 पार्ट होगा, कितना फ्रैक्शन होगा, 1-1/A ऑटो। इसको आप फाइंड आउट कर लो, 1-1/A ऑटो की वैल्यू 1.4286 इंटू पी ऑटो। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/10.7 1-0.7 यानी कि 0.3, दिस इज 0.3 इंटू पी ऑटो। देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जितना पावर ट्रांसफर होगा उसका 0.3 टाइम्स पावर इंडक्टिव के थ्रू ट्रांसफर होगा, है ना, इंडक्टिव प्रोसेस से ट्रांसफर होगा, और 0.7 टाइम्स जो पावर होगा वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर इंडक्शन के थ्रू आपसे पूछा कि कितना परसेंट, तो 0.3 है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 30%। तो 30% पावर वाया इंडक्शन ट्रांसफर होगा और रिमेनिंग 70% पावर वाया कंडक्शन ट्रांसफर होगा। इसमें 30% आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर होगा किसके लिए, इंडक्टिव ट्रांसफर। और यहाँ पर ऑप्शन बी है, ये क्या हो जाएगा, ये होगा कंडक्टिव ट्रांसफर के लिए। अगर आपसे ये पूछा होता कि कंडक्टिव ट्रांसफर बताइए तो 70% होता, यानी कि ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन ए, ऑपरेटर इज नॉट अवेलेबल, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, यहाँ पर 6 नहीं है, ऑप्शन बी हो, वेन आयरन लॉसेस आर टू बी रिड्यूस्ड, नो। ऑप्शन सी में, वेन एफिशेंसी कंसिडरेशन कैन बी इग्नोर्ड, नो। वेन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज स्मॉल, यस। जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्मॉल हो, नियर अबाउट 1 हो, तो वहाँ पर हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेजेस इज 2:1। द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज इज 2:1, ठीक है। द सेविंग इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन स्टीड ऑफ अ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विल बी वॉट। वेट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, रेशियो ऑफ विच ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर आप ऐड कर लो, यहाँ पर आप ऐड कर लो कि द रेशियो ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, या फिर यहाँ नहीं, वेट, यहाँ पर ऐड करो, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेजेस ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज 2:1। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जिसका प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज का रेशियो है 2:1, इट मीन्स ए ऑटो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ से ए ऑटो हो जाएगा 2:1, इट मीन्स 2, राइट। अब इसने क्या पूछा है, द
सेविंग इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ कॉपर, कॉपर की कितनी सेविंग होगी, तो कॉपर सेविंग क्या होता है, कॉपर सेविंग इज इक्वल टू वन अपॉन ए ऑटो। यदि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा कि कितना परसेंट का आपको कॉपर सेविंग हो रही है एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहां पर आप ए ऑटो के वैल्यू को पुट करो तो 1/2 × 100 ये हो जाएगा परसेंट में, इट मींस 50%। जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे तो आपको 50% कॉपर सेविंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में गिवन है 50%, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ 2:1 रेशियो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ओके, इट्स केवीए रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट। टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्टेज रेशियो है वो है 2:1, उसको हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कनेक्ट करेंगे। तो इसने कुछ भी नहीं लिखा है कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यूज करना है या फिर एडिटिव पोलैरिटी यूज करना। अगर ऐसा कुछ गिवन ना हो तो हम बेटर आउटपुट की तरफ जाएंगे, और बेटर आउटपुट हमें तभी मिलेगा जब हम सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यूज करेंगे। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यूज करोगे तो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनेगा इससे, उसमें हाई वोल्टेज साइड, और यहां पर पहले हाई वोल्टेज साइड देख लो, हाई वोल्टेज साइड का जो वोल्टेज होगा ये हो जाएगा 2+1 यानी कि 3 वोल्ट। 3 वोल्ट मान लो, राइट, 3 वोल्ट लिख लो, 3 किलो वोल्ट लिख लो, जो मन करे वैसा लिख लो। ठीक है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज रेशियो के बने, सो यहां पर मैं 3 किलो वोल्ट लिख देता हूं, राइट। हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज 3 किलो वोल्ट। अब लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 किलो वोल्ट। यहां पर 2 यूज करना, 1 यूज नहीं करना है, राइट। जब आप 1 यूज करोगे तब जो ट्रांसफॉर्मर का रेशियो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, वो 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें 1 के नज़दीक रखना है। 1 के नज़दीक रखने से उसकी केवीए रेटिंग बेहतर होती है, कॉपर सेविंग ज़्यादा होती है ना। तो जब ऐसा कुछ भी गिवन नहीं हो तो हम बेस्ट जो ऑप्शन होता है उसकी तरफ हम जाएंगे, राइट। बेस्ट जो हमारे पास मेथड होगा उसकी तरफ हम जाएंगे, बेस्ट कनेक्शन हम यूज करेंगे, राइट। सो एलवी साइड का वोल्टेज रेटिंग 2 किलो वोल्ट। अब यहां से टर्न्स रेशियो को फाइंड आउट करो। ए ऑटो हो जाएगा 3 किलो वोल्ट / 2 किलो वोल्ट, इट मींस व्हाट, दिस इज 1.5। ओके, ये है 1.5, ए ऑटो है 1.5। अब इसने क्या कहा है, इट्स केवीए रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, इसका केवीए रेटिंग कितना होगा, राइट। सो इसका जो केवीए रेटिंग होगा वो आप देख लो, एस ऑटो, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान देना, एस ऑटो इज इक्वल टू होता है ए ऑटो डिवाइडेड बाय ए ऑटो -1 × एस टू वाइंडिंग। इट मीन्स जो हमारा टू वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो केवीए रेटिंग होगी उसमें आप यदि मल्टीप्लाई करते हो इस टर्म से कि ए ऑटो डिवाइडेड बाय ए ऑटो -1, तो ये दे देगा आपको बेहतर केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बेस्ट केवीए आपको मिलेगा वहां से, मैक्सिमम केवीए वहां से मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ए ऑटो की वैल्यू कितनी है, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 - 1 इनटू एस टू वाइंडिंग। सो ये क्या हो जाएगा, 1.5 / 0.5, इट मींस 3 × S2 winding। सो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो केवीए रेटिंग होगा उससे 3 times केवीए रेटिंग हमारा हो जाएगा, किसका, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। कितने टाइम्स होगा, 3 times। ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी में है 3 times, सो डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे, राइट। ठीक है, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
240 वोल्ट बाय 120 वोल्ट 12 केवीए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हैज 96.2% एफिशिएंसी एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर, राइट। ये है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का केवीए गिवन है 12 केवीए, फुल लोड पर है, और फिर यूनिटी पावर फैक्टर पे आपको एफिशिएंसी दिया गया 96.2%। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डील कर लेते हैं, राइट। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू कॉस फाइव डिवाइडेड बाय एस इंटू कॉस फाइव प्लस लॉसेस। लॉसेस में दो तरह के लॉस होंगे, एक आयरन लॉस होगा, दूसरा कॉपर लॉस होगा। एफिशिएंसी यहां पर गिवन है 96.2%, तो मैं यहां पर लिखूंगा 0.962 इज इक्वल टू। नाउ एस की वैल्यू कितनी है, एस मींस केवीए रेटिंग, यहां पर कितना है 12 केवीए, तो दिस इज 12 इंटू कॉस फाइव, यह है यूनिटी पावर फैक्टर, इट मींस 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 प्लस लॉसेस। ओके, यहां से आप लॉसेस को कैलकुलेट कर लीजिए। तो लॉसेस कैसे आप कैलकुलेट करोगे, लॉसेस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 0.962 माइनस हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए कि लॉस कितना होगा, 0.962 दिस माइनस 12 0.474 किलोवाट, 0.474 किलोवाट, इतने किलोवाट का इसमें लॉस होगा, यानी कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस इसमें इतना होगा, राइट। अब इसने क्या कहा है, द फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ 0.85 पीएफ लैगिंग व्हेन कनेक्टेड टू अ लोड अक्रॉस 360 वोल्ट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ये जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है इसको अब आपने कन्वर्ट कर लिया ऑटो ट्रांसफार्मर में, जिसका लोड की साइड का वोल्टेज है 360 वोल्ट। देख लो वोल्टेज कितना है 360 वोल्ट। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज, ये है प्राइमरी वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 360, इट मींस एडिटिव पोलैरिटी इसमें यूज हुई है, राइट। जब एडिटिव पोलैरिटी इसमें यूज किया गया है तो वैसे केस में सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, अब यहां पर लिख देता हूं, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हाई है 360 वोल्ट, और प्राइमरी साइड का वोल्टेज लो है, वो कितना होगा, प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेम होगा 240, राइट। अब यहां से हम इसका टर्न्स रेशियो को फाइंड आउट करते हैं कि ए ऑटो कितना होगा। ए ऑटो इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 240, इट मींस 1.5, दिस इज 1.5। जब ए ऑटो हमारा 1.5 है तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर की फुल लोड केवीए रेटिंग कितनी होगी, यहां से हम एस ऑटो को फाइंड आउट करेंगे। एस ऑटो क्या हो जाएगा, एस ऑटो हो जाएगा ए ऑटो डिवाइडेड बाय ए ऑटो माइनस 1 इनटू एस टू वाइंडिंग, राइट। एस ऑटो इज इक्वल टू, ए ऑटो की वैल्यू कितनी है 1.5, सो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 इनटू एस टू वाइंडिंग। एस टू वाइंडिंग कितना है 12 केवीए है ना, 12 केवीए है ना टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 36 केवीए। देखो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी केवीए रेटिंग हमें मिले है 36 केवीए। अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसको फुल लोड पर कनेक्ट किया गया है, इसके इस पे जो लोड है वो फुल लोड लगा हुआ है, 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग का लोड लगा हुआ है, तो इसकी एफिशिएंसी आपसे पूछा है कि एफिशिएंसी कितना होगा। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी तो क्या होगा, एस आप यूज करोगे ऑटो ट्रांसफार्मर का इनटू कॉस फाइव जो लोड है डिवाइडेड बाय एस ऑटो इनटू कॉस फाइव प्लस यहां पर सेम लॉसेस होंगे आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये उतना ही होगा जितना कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लॉस होते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एस ऑटो की वैल्यू है 36 केवीए, तो 36 इनटू यहां पर जो कॉस फाइव है, कॉस फाइव की वैल्यू है 0.85 डिवाइडेड बाय
36 0.85 और प्लस जो लॉसेस हैं, लॉसेस कितने हैं 0.474 किलोवाट, राइट। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो, और इनटू यहाँ पर यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में मिल जाएगा, राइट। कैलकुलेट कर लीजिए 36 × 0.85 30.6 प्लस 0.474 30.6 डिवाइडेड बाय दिस 98.47%, कितना है 98.47%। ये हो गई एफिशिएंसी 98.47 मींस ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में गिवन है 98.5, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ रेटिंग ऑफ 15 kVA, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ रेटिंग ऑफ 15 kVA 600 by 120 volt। It is reconnected as an auto transformer to supply at 720 volt from 600 volt primary source. The maximum load it can supply is what? यानी कि आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग इसने पूछा है, ठीक है। देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग इसने पूछा है जबकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज आपको दिया है ना, ऑटो ट्रांसफर टू सप्लाई। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है 720 वोल्ट और प्राइमरी साइड का वोल्टेज है 600 वोल्ट, तो इसका ए क्या होगा, जो टर्न्स रेशियो है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 600। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि कभी मैं प्राइमरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज लेता हूँ एज अ टर्न्स रेशियो, कभी मैं सेकेंडरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी साइड का वोल्टेज लेता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे फाइनली ए ऑटो की वैल्यू मोर देन वन चाहिए, राइट। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो होता 600 वोल्ट और प्राइमरी साइड का वोल्टेज होता 720, तो भी मैं ए ऑटो ऐसा ही लिखता, राइट, क्योंकि हमें ए ऑटो की वैल्यू मोर देन वन चाहिए, राइट। मोर देन वन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो सूटेबल है। अगर आप लेस देन वन पे काम करोगे तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि एस कंडक्टिव या फिर पी कंडक्टिव पी इंडक्टिव में जो उसका फॉर्मूला है उसमें आपको क्या चेंजेस करने होंगे, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो 720 by 600 720 600 1.2 दिस इज इक्वल टू 1.2। अब ए ऑटो है 1.2 तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एस ऑटो को फाइंड आउट करूंगा। एस ऑटो इज इक्वल टू हो जाएगा ए ऑटो डिवाइडेड बाय ए ऑटो माइनस वन इनटू एस टू वाइंडिंग 1.2 माइनस वन। एस टू वाइंडिंग कितना है 15 kVA, कैलकुलेट करिए 12 by 0.2 हो जाएगा, इंटू 15 आप करोगे तो ये हो जाएगा 90 kVA। व्हाट इज दिस, दिस इज 90 kVA। तो द मैक्सिमम लोड इट कैन सप्लाई इज व्हाट, 90 kVA। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 3 kW लोड इज सप्लाइड बाय एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कितना लोड है 3 kW का लोड है, विथ 0.7 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इज व्हाट। यहाँ पर ए ऑटो दिया गया है 0.7, फिर से मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा मोर देन वन के लिए, सो ए ऑटो इज इक्वल टू मैं लिखूँगा 1/0.7, राइट। मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, ए ऑटो मैंने ऐसे लिख लिया, राइट। अब इसने कहा है कि कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर कितना होगा, तो पी कंडक्टिव का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, पी कंडक्टिव हमने लिखा था 1/A ऑटो इनटू पी ऑटो
ऐसे ही लिखा था, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ऑटो, ए ऑटो गिवन है 1 अपॉन 0.7, सो 1 अपॉन ए ऑटो हो जाएगा 0.7 इनटू पी ऑटो। टोटल पावर कितना ट्रांसफर कर रहा है ये ऑटो ट्रांसफार्मर, तो लिखा हुआ है 3 किलोवाट, 3 किलोवाट लोड इज सप्लाइड बाय एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर जब 3 किलोवाट का लोड सप्लाई करता है तो पी ऑटो हो जाएगा 3 किलोवाट। कैलकुलेट करिए क्या हो जाएगा, 7 × 3 2.1 हो जाएगा, नहीं 2.1 किलोवाट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ सिंगल फेज 22 kVA 2200 वोल्ट बाय 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर टू गेट एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2420 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज यहां पर फिगर में भी दिया गया है 2420 वोल्ट। इट्स मैक्सिमम केवीए रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज व्हाट। देखिए यहां पर आउटपुट वोल्टेज कितना है 2420 वोल्ट, यहां पर इनपुट वोल्टेज कितना लगा हुआ है 2200 वोल्ट। अगर ये फिगर नहीं भी होता तो भी आपको मैक्सिमम केवीए रेटिंग चाहिए, और इसने स्टेटमेंट में लिखा है, अगर सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट होता फिगर नहीं होता तो आप क्या करते। स्टेटमेंट में इसने लिखा कि आउटपुट वोल्टेज आपको चाहिए 2420 वोल्ट, ये तो फिक्स हो गया कि आउटपुट आपको इतना चाहिए। अब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेशियो है उसको आप देख लो, 2200 वोल्ट बाय 220 वोल्ट है, इट मींस डेफिनेटली यहां पर एडिटिव कनेक्शन यूज हुआ है, राइट। अब जो प्राइमरी साइड है वहां पर किस वाइंडिंग के क्रॉस आप प्राइमरी वोल्टेज को कनेक्ट करोगे, सप्लाई वोल्टेज आप किसके क्रॉस कनेक्ट करोगे, 2200 वोल्ट के क्रॉस या फिर 220 वोल्ट के क्रॉस। तो जब आप 220 वोल्ट के क्रॉस सप्लाई को कनेक्ट करोगे तब जो ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग आएगी वो कम आएगी, क्योंकि ए ऑटो की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है ना। ए ऑटो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2420 डिवाइडेड बाय 220, राइट। तो ये 10 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसे केस में केवीए रेटिंग कम होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा कि मैक्सिमम केवीए रेटिंग, मैक्सिमम केवीए रेटिंग आपको तभी मिलेगी जब ऑटो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसमिशन रेशियो है वो नियर अबाउट 1 हो, और 1 कब होगा, जब 2420 वोल्ट आपको आपको आउटपुट में मिल रहा है तो उससे थोड़ा सा कम वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, यानी कि 2200 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे, राइट। अगर ये फिगर नहीं होता तो हम ऐसे सोचते, ओके। सो ए ऑटो इज इक्वल टू 2420 2200 कितना हो जाएगा, 1.1, दिस इज इक्वल टू 1.1, ये हो गया 1.1। उसके बाद क्या करना है, मैक्सिमम की भी रेटिंग है ना, ठीक है। तो एस ऑटो क्या हो जाएगा, एस ऑटो इज इक्वल टू ए ऑटो डिवाइडेड बाय ए ऑटो माइनस 1 इनटू एस टू वाइंडिंग, 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 22 kVA। कैलकुलेट करिए, 1.1 डिवाइडेड बाय 0.1 हो जाएगा 11 इंटू 22 आप करोगे तो हो जाएगा 242 kVA, 242 kVA, दिस इज मैक्सिमम kVA इन केस ऑफ एडिटिव पोलैरिटी, राइट। सो 242 ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें इसमें आप एक और चीज देख लो कि जब आपके पास फिगर दिया हुआ तो इसने आउटपुट में करंट भी इसने शो कर दिया, तो आपको ये सब करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। आउटपुट का वोल्टेज आपको पता है, आउटपुट का करंट पता है, सिर्फ और सिर्फ दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ऑटो ट्रांसफर की केवीए मिल जाएगी, है ना। 2420 इंटू 100 ये हो जाएगा 242 kVA, राइट। हाँ चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द रेटिंग ऑफ सिंगल फेज 2400 बाय 240 वोल्ट्स टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज 50 kVA, इट इज रीकनेक्टेड एज स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा है, स्टेप अप है,
विथ 2400 वोल्ट इनपुट। जब आप इनपुट में 2400 वोल्ट दे रहे हो तो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो तो ज़्यादा होना चाहिए। अब जब ज़्यादा होना चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको एडिटिव पोलैरिटी यूज़ करना है, जो कनेक्शन है वो आपको एडिटिव यूज़ करना है। 2400 एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग है, दूसरी वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग है कितनी, 240 वोल्ट, राइट। दोनों को ऐड करोगे तो आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, सेकेंडरी वोल्टेज VHV हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज कितना मिलेगा, 2400 प्लस 240 इट मींस 2640 वोल्ट ये मिलेगा। और इनपुट साइड का वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज, लो वोल्टेज कितना है, 2400 वोल्ट एज एन इनपुट, इसी को बोला है ना इनपुट, ये इनपुट वोल्टेज है। सो ए ऑटो क्या होगा, ये जो भी मैंने लिखा है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का लिखा है, टू वाइंडिंग का नहीं लिखा है, राइट। नाउ ए ऑटो कितना हो जाएगा, 2640 डिवाइडेड बाय 2400, 2640 2400 1.1, दिस इज इक्वल टू 1.1। ओके, फाइंड द केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो एस ऑटो कितना हो जाएगा, ए ऑटो माइनस वन एस टू वाइंडिंग 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस वन इंटू एस टू वाइंडिंग कितना है, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो केवीए रेटिंग है वो है 50 केवीए। सो ये हो जाएगा कितना, 1.1 बाय 0.1 इट मींस ये हो जाएगा 11 इंटू 50 इट मींस व्हाट, ये हो जाएगा 550 केवीए, है ना। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी 550 केवीए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हेन गैल्वेनिक आइसोलेशन इज नीडेड, जब आइसोलेशन की नीड होगी तब क्या हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर को यूज करेंगे, नो। व्हेन ऑपरेटर इज नॉट अवेलेबल, नो। व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज नॉट क्रिटिकल, नो। व्हेन द ट्रांसमिशन रेशियो फॉर वोल्टेज इज स्मॉल, यस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, रीड करिए इसको, थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका लेंदी है बट क्वेश्चन इजी होगा। हंड्रेड एमवीए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर रेटेड 80 किलोवोल्ट बाय 120 किलोवोल्ट इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इन सच ए वे दैट द डॉटेड टर्मिनल, अब यहां पर ध्यान से देखना, डॉटेड टर्मिनल ऑफ एलवी साइड इज कनेक्टेड टू द अनडॉटेड टर्मिनल ऑफ एचवी साइड, अनडॉटेड टर्मिनल ऑफ एलवी साइड इज टेकन एज कॉमन फॉर बोथ एलवी एंड एचवी, द रेटेड वोल्टेज ऑफ 80 किलोवोल्ट इज अप्लाइड टू द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, consider the transformer to be ideal and load to be such that the rated current flows through both primary and secondary windings, rated current flow कर रहा है, what is the kVA rating of the auto transformer, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको connection को जोड़ना है कि जो connection है वो कैसा है, जो connection है वो कैसा है, additive है या फिर subtractive है, और साथ ही जो transformer का auto transformer का जो rating होगा ए ऑटो होगा वो कितना होगा, ये सिर्फ इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए इसने पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को यहां पर डिजाइन कर रहा हूं, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ये है टू वाइंडिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, राइट। इस साइड का वोल्टेज है 80 किलो वोल्ट और इस साइड का वोल्टेज कितना है 120 किलो वोल्ट, राइट। यहां पर मैं दे देता हूं, इसमें यहां पर देता हूं मैं डॉट, दिस इज डॉट, राइट, दिस इज डॉट, और इसमें मैं डॉट देता हूं यहां पर डॉट, यहां पर मैं वाइंडिंग के दोनों एंड का नाम भी लिख देता हूं
इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, इसको मैं बोल देता हूँ टर्मिनल सी, इसको मैं बोल देता हूँ टर्मिनल डी, राइट। अब आप स्टेटमेंट को फिर से रीड करो। इसने क्या कहा है, डॉटेड टर्मिनल, यहां से देखो, डॉटेड टर्मिनल ऑफ एलवी साइड इज कनेक्टेड टू द अनडॉटेड टर्मिनल ऑफ एचवी साइड। एलवी साइड का डॉटेड मतलब ए, अनडॉटेड ऑफ एचवी, एचवी साइड का अनडॉटेड मींस डी। तो ए का कनेक्शन किससे हो रहा है, डी से हो रहा है। इसको आप ऐसे फॉर्म करोगे, दिस इज ए, दिस इज बी, और ए का कनेक्शन किसके साथ हो रहा है, डी के साथ। तो ये जो बाइंडिंग है इसका ये कनेक्शन है डी, राइट। दो बाइंडिंग हमने लगा दिए। या फिर ऐसा करो, वेट वेट वेट, मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आप कंफर्टेबल रहोगे इस। देखिए, यहां पर देखिए, ये है बी, बी है ना, नो नो नो, ए है ना, ए होगा ना। यहां पर डॉटेड टर्मिनल ऑफ एलवी साइड, एलवी साइड का डॉटेड मीन्स ए, ठीक है। डॉटेड ऑफ एलवी साइड इट मीन्स ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। ये है एलवी साइड, लो वोल्टेज साइड, इट मीन्स ये, इसका वोल्टेज कितना है, 80 किलो वोल्ट, 80 किलो वोल्ट इसका ये वोल्टेज है, राइट। ये वोल्टेज है 80 किलो वोल्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या कहा है, अब इसने ये कहा है कि डॉटेड टर्मिनल ऑफ एलवी साइड ये कनेक्टेड है अनडॉटेड टर्मिनल ऑफ एचवी साइड, एचवी साइड का अनडॉटेड मीन्स डी। तो ए कनेक्टेड है डी के साथ, तो मैं हाई वोल्टेज साइड का वाइंडिंग यहां पर बना देता हूं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ज्यादा, राइट। इसका ये टर्मिनल होगा डी, तो हमने डी को कनेक्ट कर दिया, राइट। अब इसका डॉट, दोनों का मैं डॉट भी दिखा देता हूं थोड़ा डिफरेंट कलर से। इसका डॉट यहां पर है और इसका डॉट यहां पर है, राइट। नाउ दिस टर्मिनल इज सी, ठीक है, ओके। अब इसका वोल्टेज कितना है, इस टर्मिनल का वोल्टेज है 120 वोल्ट, 120 किलो वोल्ट, राइट। जहां पर डॉट है वो होगा पॉजिटिव पोलैरिटी, जहां पर डॉट नहीं है वो होगा नेगेटिव पोलैरिटी। सिमिलरली जो दूसरी वाइंडिंग है उसमें डॉट है ऊपर, तो यहां पर होगा पॉजिटिव पोलैरिटी, यहां पर होगा नेगेटिव पोलैरिटी। वोल्टेज कितना है, 80 किलो वोल्ट। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो वोल्टेजेस हैं वो एडिटिव पोलैरिटी में है, राइट। अब इसने क्या कहा है कि अनडॉटेड टर्मिनल ऑफ एलवी साइड, एलवी साइड यानी कि अनडॉटेड टर्मिनल इट मीन बी, एलवी साइड का जो बी टर्मिनल है इज टेकन एज कॉमन फॉर बोथ एलवी एंड एचवी। इसको हमें कॉमन लेना है, बी को हमें कॉमन लेना है दोनों साइड के लिए, तो ठीक है, बी को हम इस तरीके से दोनों साइड के लिए कॉमन ले रहे हैं, राइट। ये होगा एलवी साइड ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर और ये हो जाएगा एचवी साइड ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। हमने इसको कॉमन ले लिया बी को, राइट। अब इसने क्या कहा, द रेटेड वोल्टेज ऑफ 80 किलो वोल्ट इज अप्लाई टू द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यहां पर हमने 80 किलो वोल्ट अप्लाई करना है, यहां पर अप्लाई करना है, इट मीन्स ये हो गया प्राइमरी साइड, है ना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ये हो गया प्राइमरी साइड, राइट। अब लोड साइड देखो, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल एंड लोड टू बी सच दैट द रेटेड करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। व्हाट इज द केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ओके। अब लोड हमारा कहाँ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट होगा लोड, राइट। अब जो ट्रांसफॉर्मर है उसका वोल्टेज रेशियो देख लो, यहां पर आउटपुट साइड का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 120 किलो वोल्ट एंड 80 किलो वोल्ट, दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 200 किलो वोल्ट, राइट। हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज है 200 किलो वोल्ट, लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज है 80 किलो वोल्ट। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ए क्या होगा, ए ऑटो इज इक्वल टू व्हाट, 200 किलो वोल्ट बाय 80 किलो वोल्ट। कैलकुलेट कर लीजिए, 200 बाय 80, दिस इज 2.5,
ए ऑटो की वैल्यू आपको मिली है 2.5। तो इसने पूछा है कि केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो एस ऑटो क्या होता है, एस ऑटो हो जाएगा ए ऑटो डिवाइडेड बाय ए ऑटो माइनस वन इन टू एस टू वाइंडिंग। ए ऑटो 2.5 माइनस वन, वेट 2.5 माइनस वन, वेट करो, माइनस वन इन टू एस टू वाइंडिंग। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एमबीए रेटिंग गिवन है, ओके एमबीए रेटिंग है 100 एमबीए, क्या करोगे 100 एमबीए से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 एमबीए, क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 एमबीए से तो ये हो जाएगा 166.67। दिस इज 166.67 एमबीए, ये 166.67 यानी कि 167 इसके आसपास होगा, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 500 केवीए 200 बाय 100 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर टू सप्लाई अ 200 वोल्ट सर्किट फ्रॉम अ 300 वोल्ट सोर्स। ऑटो ट्रांसफार्मर हैज केवीए रेटिंग, यहाँ पर जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका सेकेंडरी साइड, वो जहाँ से सप्लाई कर रहा है उसका वोल्टेज है 200 और जहाँ से ये सप्लाई ले रहा है, जहाँ से सोर्स कनेक्टेड है, वो है 300 वोल्ट। ए ऑटो कितना होगा 300 डिवाइडेड बाय 200, इट मींस 1.5, राइट। एस ऑटो कितना हो जाएगा केवीए रेटिंग, ए ऑटो 1.5 डिवाइडेड बाय ए ऑटो माइनस वन इन टू एस टू वाइंडिंग विच इज 500 केवी। कैलकुलेट कर लीजिए 1.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.5, इट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 500, इट मीन्स वॉट 1500 केवी, दिस इज 1500 केवी। ऑप्शन देख लीजिए 1500, इट मीन्स डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 100 वोल्ट एम्पियर, ये केवीए नहीं है वीए है, 100 वोल्ट एम्पियर 120 वोल्ट बाय 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड सो एज टू फॉर्म ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको स्टेप अप बनाना है राइट। अ प्राइमरी वोल्टेज 120 वोल्ट इज अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके सिंपल है, प्राइमरी वोल्टेज आपको रखना है वी प्राइमरी, प्राइमरी साइड का वोल्टेज रखना है 120 वोल्ट और आपको स्टेप अप करना है, तो स्टेप अप के लिए जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो कितना होगा 120 प्लस कितना वोल्ट 12 वोल्ट। यहां पर आप क्या यूज करोगे, एडिटिव पोलैरिटी यूज करोगे तो 132 वोल्ट है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर आप बनाओगे विथ एडिटिव पोलैरिटी और प्राइमरी साइड जो हमारा जिधर आप सोर्स लगाओगे 120 वोल्ट का होगा और जिधर लोड लगाओगे 132 वोल्ट का होगा, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेप अप हो गया राइट। 132 वोल्ट इट मींस ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अ सिंगल फेज 2000 बाय 200 वोल्ट 20 केवीए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज रिकनेक्टेड एज अ स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप यहां पे लिखा हुआ है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर ठीक है, विथ 200 वोल्ट वाइंडिंग एज प्राइमरी। जब आपको दे दिया गया कि प्राइमरी यानी कि जहां से आप सोर्स को कनेक्ट करते हो वहां का वोल्टेज है 2000 वोल्ट और आपको स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, इट मींस यहां पर एडिटिव पोलैरिटी यूज होगी और जब एडिटिव पोलैरिटी यूज होगी तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना होगा, V secondary is equal to 2000 plus 200 volt, है ना। दोनों winding का connection आप ऐसे करोगे so that voltages हमारे add हो जाए, यानी कि वही वाला concept आप use करोगे कि एक winding का dot और दूसरे winding का undotted portion दोनों को आप connect करोगे right, तो फिर वो add हो जाएगा, यानी कि this is 2200 volt और primary side
प्राइमरी साइड का वोल्टेज 2000 वोल्ट, ठीक है, केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। यहाँ से ए ऑटो को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ऑटो हो जाएगा 2200 बाय 2000, इट मीन्स वॉट, वन पॉइंट वन, दिस इज 1.1। ए ऑटो की वैल्यू आ गई 1.1, द केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सो एस ऑटो इज इक्वल टू वॉट, ए ऑटो 1.1 डिवाइडेड बाय ए ऑटो माइनस 1, 1.1 माइनस 1 इन टू एस टू वाइंडिंग, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का केवीए कितना है, 20 केवीए, यहाँ लिखा हुआ है 20 केवीए, राइट। सो ये हो जाएगा 11 इंटू 20 केवीए, इट मीन्स वॉट, 220 केवीए, 220 ऑप्शन सी, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।